समय मार्केट में कच्ची केरियाँ बहुत आ रही है। केरियों से हम कई तरह की चीज़ें अपने यहाँ पर बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बढ़िया सा अमचूर। तो यहाँ पर मैंने ली है अमचूर बनाने के लिए 250 ग्राम केरी कच्ची वाली, और इसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही इसके लिए हमने यूज़ किया है 150 ग्राम खजूर का। ये जो खजूर आती है उसे मैंने सीडलेस कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं जो रसोई में बनता है अमचूर, वैसा ही अमचूर हम अपने घर पर बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हमारे अमचूर के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ, 7 से 8 मैंने ली है काली मिर्च, 3 लिए हैं लौंग, 2 चम्मच भर के लिया है सूखा धनिया, और 1 चम्मच जो हमारे घर पर राई होती है वही राई है। इन सभी को हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने सौंफ, सूखे धनिए, काली मिर्च और लौंग सभी को पीस लिया है। 1 चम्मच हमने लिया है नमक का, 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच ही लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। ये हमारा अमचूर का स्पेशल मसाला बनकर तैयार हो गया है। अमचूर बनाने के लिए कढ़ाई में हमने ले लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देते हैं 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 मेथी के दाने, थोड़ी सी 1/4 चम्मच हमने ली है राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। इसे ऐड कर देते हैं हम हमारे ऑयल में। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कश्मीरी मिर्च सूखी हुई, जिसे मैंने 2-3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। यहाँ पर हमारी राई अच्छे से चटक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे केरी। केरी को थोड़ा सा मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम हमारे खजूर। अब यहाँ पर इनके ऊपर ऐड कर देंगे हम हमारा अमचूर का मसाला। ये मसाला बहुत टेस्टी बनता है और इस मसाले से ही इस अमचूर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे और मसाले के साथ हमारे अमचूर को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, लगभग 100 ml के जितना पानी है। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से जब हम अमचूर बनाते हैं तो हमारा अमचूर बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ पर हमारी इस केरी को थोड़ा कुक होने देते हैं। यहाँ पर हमारी केरियाँ ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़, बारीक बारीक कटा हुआ लगभग 50 ग्राम गुड़ है। गुड़ को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुड़ के साथ भी हम इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे। गुड़ की मिठास हमारे अमचूर में बहुत अच्छी लगती है और खट्टा मीठा बढ़िया सा हमारा अमचूर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर गुड़ के साथ हम इस अमचूर को थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। गुड़ डालने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे मैंने और कुक कर लिया है और ये देखिए बढ़िया सी कंसिस्टेंसी हो गई है हमारे अमचूर की। बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। अब यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हमारा बढ़िया सा अमचूर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हलवाइयों वाला बढ़िया सा खट्टा मीठा तीखा और चटपटा सा अमचूर, जो आपके खाने के स्वाद को 4 चांद लगा देगा। तो इस गर्मियों की सीजन इस तरह का चटपटा सा अमचूर आप भी अपनी यहाँ एक बार जरूर से ट्राई करें।